हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो जून 2020 में जेरफ का पेपर होने वाला था, उसमें नेट कितने परसेंट कैंडिडेट्स का होगा और जेरफ कितने परसेंट कैंडिडेट्स का होगा। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, हमें उसके ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए कि अब की बार कितने परसेंट कैंडिडेट्स का नेट होगा और कितने परसेंट कैंडिडेट्स का जेरफ होगा। तो आज मैं ये आप सभी को बताने जा रहा हूँ बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ ही देता हूँ। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं UGC नेट, NTA, UGC नेट 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और ये हमारा जो वेबसाइट था उसका एक पेज खुल चुका है जो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हम यहाँ पर गए, उसके बाद हमने इसको क्लिक किया और जैसे हम इसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UGC नेट जून 2020 इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और जैसे क्लिक किया तो हमारे पास एक ये पेज ओपन हुआ। और एक बार दोबारा से फिर दूसरे पेज को खोल के देखते हैं। और अभी हम ये जो पेज खुलने वाला है थोड़ा कुछ ही टाइम में, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा जो मेन पेज था वो खुल चुका है। तो ये तो एक नोटिस था इसके रिगार्डिंग कि इसका पेपर कैसे होगा, क्या होगा वो। और ये है, आपको दिख रहा है बिल्कुल लिखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर UGC नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2020। और ये इसका जो टाइमिंग था वो दे रखा है कि इसकी जो फॉर्म डेट है क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है, इसका फॉर्म फी क्या है, तो ये आप सब चेक कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारा जो मेन आज का टॉपिक है कि अब की बार कितने परसेंट कैंडिडेट्स का नेट होगा और कितने परसेंट कैंडिडेट्स का जेरफ होगा। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 22 के ऊपर, जहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि कितने परसेंट कैंडिडेट का नेट होगा, कितने का जेरफ होगा। और दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेरफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी बिल्कुल रिसेंटली प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये था हमारा मेन पेज जो आज मैं आपको बताने जा रहा था, बिल्कुल ये रहा। अभी मैं इसको जूम करता हूँ, ये मैंने आपके लिए इसको बिल्कुल जूम कर दिया है। अब हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल से, प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। द फॉलोइंग स्टेप बाई विल बी फॉलोड। स्टेप फर्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड टोटल स्लॉट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी 12-6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपेयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ नेट। कि जो नेट है वो टोटल अपेयर कैंडिडेट का 6% का होगा, कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अपेयर करेंगे वो सॉरी जितने कैंडिडेट अपेयर होंगे पेपर में उसके 6% का नेट होगा। कितने का होगा? 6% का नेट होगा। सेकेंड स्टेप है, द टोटल स्लॉट शैल बी अलोकेटेड द टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टेप थर्ड है, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर जेरफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर्ड इन द बोथ ऑफ बोथ पेपर्स एंड स्कोर्ड एट लीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन द बोथ ऑफ पेपर टेकन टूगेदर फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड ए लिस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टूगेदर
फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग रिजर्व्ड कैटेगरीज एसटी एससी ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर। तो देखो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको कि जितने कैंडिडेट पेपर देने बैठेंगे उनका 6%, सपोज दैट 4 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया तो उनका 6% कैंडिडेट्स का नेट होगा। साथ ही साथ जो जेरफ है उसके लिए इसने अभी कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं बताया, यहाँ तक नहीं बताया, नेक्स्ट आगे बता देगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज वाइज जो सीट्स हैं वो बिल्कुल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एलोटेड हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो इसका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जो दोनों पेपर्स का मिनिमम पासिंग मार्क्स है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे दोनों पेपरों में, और यदि आप एसटी एससी और ओबीसी से हो तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेने आने पड़ेंगे। कितने? 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, टोटल पेपर देने वाले कैंडिडेट्स में से 6% कैंडिडेट का नेट होगा। और उसके बाद और भी जो इन्फॉर्मेशन हो मैं बता देता हूँ। All candidates who has applied for eligibility for JRF and eligibility for assistant professor both out of the total number of qualified candidates derived as per step 4 shall consist the consideration zone for JRF. तो मैं अब लास्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स का नेट होगा। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो 6% कैंडिडेट हैं उनका नेट होगा, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल रहेंगे। और जेरफ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा कि जेरफ कितने परसेंट कैंडिडेट्स का होगा। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, और ये नोटिस है उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। थैंक्स देखने के लिए।